नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल एपीजेड हेल्थ ज्ञान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि बढ़ते हुआ वजन कैसे कम किया जाए, इन्हीं के उपायों पे हम आज बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गलत खान पान और गलत जीवनचर्या के कारण दोस्तों आज ज़्यादातर लोग अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं। दोस्तों, बढ़ते हुआ वजन कई बीमारियों को लेके आता है, जैसे शुगर, बीपी, किडनी की बीमारी। ये हमारे अधिक जब वजन होता है, हमारा मोटापा होता है, इसके कारण भी ये बीमारियाँ आ जाती हैं। दोस्तों, कई बार मोटापे के कारण हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। दोस्तों, इन्हीं पर हम आपको बताएँगे अपना वजन कैसे कम किया जाए। हम इसके लिए आपको पांच उपाय आज बताएंगे जिसके द्वारा आप अपना वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि वो पांच उपाय कौन से हैं। नंबर एक, चीनी या शक्कर का प्रयोग ना करें। दोस्तों, अगर हमें अपना वजन कम करना है या बढ़ने से रोकना है तो हमें मीठा खाना बंद करना पड़ेगा। मिठाई और चॉकलेट, ये दोनों बढ़ते हुए वजन को बड़े सहयोगी होते हैं, क्योंकि हमारा चयापचय क्रिया, अगर ज़्यादा मिठाई खाते हैं तो चयापचय की क्रिया नहीं हो पाती है और हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो क्रिया हमारी बाधित होती है, जिसके कारण हमारा वजन बढ़ने लगता है। दोस्तों, नंबर दो, हमें प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे दाल, पनीर, दही, राजमा, इन चीज़ों का प्रयोग अधिक करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें भूख कम लगती है और भूख कम लगने के कारण हम खाने का प्रयोग कम करेंगे, भोजन का प्रयोग कम करेंगे, जिससे हमें हमारा वजन गेन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, नंबर तीन, ग्रीन टी का प्रयोग। दोस्तों, वजन कम करने में ग्रीन टी का अहम रोल होता है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार हमें ग्रीन टी का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीन टी हमारे फेट को बर्न करने में बड़ा सहयोग करती है। दोस्तों, नंबर चार, नियमित एक्सरसाइज करें। दोस्तों, एक्सरसाइज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समस्या का निदान एक्सरसाइज से हम पा सकते हैं। एक्सरसाइज कम से कम, उसमें योग भी किया जाए, पैदल भी चला जाए, रनिंग भी किया जाए, वॉक भी किया जाए, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। दोस्तों, कम से कम मॉर्निंग में उठकर हमें 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करना है, पैदल जरूर चलना है, थोड़ा दौड़ना भी है। दोस्तों, कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा देर बैठ के काम ना करें और अपने ऑफिस में या अन्य जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ सीढ़ियों का प्रयोग करें। हम देखते हैं जहाँ लिफ्ट होती है तो हम लिफ्ट का प्रयोग अधिक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें अधिक से अधिक सीढ़ियों का प्रयोग करना है। दोस्तों, नंबर पाँच, गर्म पानी का सेवन। दोस्तों, वैसे तो पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पानी का प्रयोग अधिक करना चाहिए। हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में पानी अहम रोल तो करता है, लेकिन दोस्तों हमें गर्म पानी अपना वजन कम करने के लिए जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है गर्म पानी का। सुबह से लेकर शाम तक हमें गर्म पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, जिन उपायों को हमने बताया है, अगर इन उपायों पर ध्यान रखेंगे तो हम अपने वजन को बढ़ने से रोक भी सकते हैं, अगर हमारा वजन अधिक है तो उस वजन को कम भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज बढ़ता हुआ वजन हमें अनेकों बीमारियों को घेर लेता है। दोस्तों, इसलिए अपने बॉडी को मेंटेन रखिए, अपने जीवनचर्या को मेंटेन रखिए और अपने खान पान को मेंटेन रखिए। दोस्तों, अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हमारा वेट बढ़ नहीं पाएगा, हमारा वजन अधिक नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, स्वस्थ रहें।